फातिमा इकराम, उसके लिए आई खसूसी तौर पे। गो के मैं बेटियों के लिए काम करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करती हूँ। आप जानते हैं कि मेरी अपनी बेटी मोमना चीमा एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारी हो गई थी न्यू यॉर्क में 10 साल पहले। उसके बाद से तो मैंने जर्नलिज्म के साथ जो सीरियसली काम शुरू किया वो पाकिस्तान और अमेरिका में बेटियों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, एजुकेशन में भी। और मेरा खानदान, मेरा मियां, मेरे बेटे फर्स्ट फुट फर्स्ट हैंड वो कोरोना की खिदमत दे रहे, अपनी जान हथेली में रख के, तो हमें बोलने का हक नहीं है। 19 अप्रैल को 17 मार्च को तजार गिरा, 19 अप्रैल तक वो खामोश रहे, सिर्फ पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट कराई। उन्होंने कोई सोशल मीडिया और किसी मीडिया पे नहीं गए कि हमें इंसाफ मिलेगा। जब एक महीना कुछ नहीं मिला, पुलिस वाले उन्हीं को दबाव डाल रहे हैं। लड़की को बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, बताओ तो तुसी ऐसे की नान छोले खाना आए हो, दिस इज योर ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट। व्हाई आर यू प्रेशराइज दैट गर्ल, शी इज ऑलरेडी सफरिंग, एंड हाउ मच शी इज सफरिंग लेट मी टेल यू। इतना गिलास उस पे तेजाब का फेंका, उसने आई कॉन्टेक्ट पहने थे, अंदर गल गए। शी इज ब्लाइंड, उसकी जाके गूगल में फोटो देखो, खूबसूरत बेटी 21 साल की, शक्ल तबाह हो गई, गले में चला गया। वो उसका बाप कहता है सिर्फ पानी, 2.5 घंटे में सिर्फ पानी का एक घूंट पी सकती है। सुबह से लेकर रात तक मियां बीवी अस्पतालों के, अभी तो वो हॉस्पिटल एडमिट थी, फिर अस्पताल से आई, फिर उसके 4-4 अपॉइंटमेंट एक एक दिन में। तो 19 अप्रैल को फिर उसकी सहेली जो लॉयर है, उसने सजेस्ट किया कि हमें अब आवाज उठानी चाहिए। तो हमें इतना पैसा कहां से मिलेगा, इसका इलाज कैसे कराएंगे, प्लास्टिक सर्जन और ये और वो और वो सारा। उसने फिर वेबसाइट बनाई जिसमें चैरिटी जमा करने, और चैरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग देते हैं, और चैरिटी में भी मेरा जवाब सुन रहे हैं। एक बगारत से मैंने कहा, पाकिस्तानी लिबरल, उससे मैंने कहा आवाज उठाओ, और तुम तो बड़े वो मेरा जिसम मेरी मर्जी दे मामे बड़े फिर रहे हो, हूं मर गई मां ताड़ी, बोलो पाकिस्तान को तुमने सबसे ज्यादा तंग किया हुआ है, चौंका जी साड़ियां धियां पिणा काट के तो लिबर्टी खिला के, तो मेरा जिसम मेरी वो यहां जिसम भी सड़ गया, मर्जी भी सड़ गई, तो चुप हो। तो आगे कहता है लाखों डॉलर जमा हो रहे हैं, मैं क्या कंजर ही निकले हैं, ओ बेटी का और औलाद को तुम डॉलरों में तोल रहे हो, लाखों डॉलर जमा हो रहे हैं, ओ खुदा का खौफ करो, इंसाफ तो दिलवाओ। तो वो दिन में 4-4, 5-5 उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो मियां बीवी अपनी बेटी ले लेके फिरते हैं, और पता नहीं कितने साल लगेंगे उसके। उन्हें इससे कोई नहीं कि कोई हम इंसाफ दे रहा है नहीं दे रहा, वो कहते हैं उल्टा पुलिस हम पे दबाव डाल रही है, कहती है बताओ कोई चक्कर है या कोई बात है, नहीं तो हम केस बंद कर देंगे। याद रखे इस तरह के हमारे बहुत केस बंद हो चुके हैं, और ये केस बंद करने का बहाना है। इस वीडियो को, इस मैसेज को जितनी पूरी दुनिया में फैला सकते हो फैलाओ, वरना कल तुम्हारी में से किसी के माँ और बाप किसी बच्ची का यहाँ खड़ा होगा। याद रखना जब अमेरिका में तेजाब फेंकने शुरू हो जाए तो कोई महफूज नहीं रहता, कोरोना बगैरतों की वजह से आया है। थैंक यू, थैंक यू।